जय कृपालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु जय जय कृपालु, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु जय जय कृपालु जय जय दयालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय दयालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, जय जय कृपालु हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की जय। बोलो राधा रानी की जय। जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की जय। हेलो महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। गुरु सरकार की जय। गुरु देवो
साक्षात् परम ब्रह्म कृपालुर्मे गुरवे ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगनाना चदुकुल चौरं आनंद जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै तग्गं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपत्ये अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु सीकर रसिक समुदाय, थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात जगद्गुरुत्तम दिवस के उपलक्ष में कुछ जगद्गुरु पर प्रकाश डाला जाएगा। मेरे गुरुवर जगद्गुरुत्तम
दिवस के पावन पर्व पर। यहां पर एकत्र हुए हैं जगद्गुरु की व्याख्या करने से पहले हमको गुरु तत्व के विषय पर कुछ विचार करना है। गु माने अंधकार, रु माने निकालने वाला, अर्थात अंधकार को निकालने वाला गुरु, माया को समाप्त कर देने वाला, माया को भगा देने वाला। वैसे तो माया को कोई समाप्त नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं मायां तु प्रकृतिं विद्वान् मायिनं तु महेश्वरम्। माया भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति भगवान के बराबर है। इस माया शक्ति को भगवान भी समाप्त नहीं कर सकते। ये माया शक्ति अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहवी ही प्रजा सृजमानम स्वरूपा। वेद कहता है ये तीन गुण वाली माया अनादि है, शाश्वत है, सदा से है, सदा रहेगी। लेकिन इस माया का अत्यंत अभाव हो सकता है, अर्थात आपका ये पीछा छोड़ दे, इसी का नाम तो मुक्ति है। माया रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी भगवान हमारे ऊपर से हटा दे, समाप्त कर दे, और जगह ये माया रहेगी लेकिन हमारा पीछा छोड़ देगी। वो छुड़ाने वाला कौन? गुरु। अच्छा, जगत गुरु माने जो विश्व के समस्त जीव, जलचर, भूचर, वायुचर, अंडज, जरायुज, उद्भिज, इन समस्त जीवों के माया रूपी अंधकार को मिटाने में समर्थ हो, उसका नाम जगत गुरु। ये जगत गुरु की परंपरा कोई अनादि नहीं है। अभी 2500 वर्ष पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रारंभ हुई। बात यह थी कि गुरु की परिभाषा वेदों में लिखी है, तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वेद कहता है अरे मनुष्यों, गुरु के पास जाओ। गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, शास्त्र वेदों का ज्ञाता भी हो,
और अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात प्रेम दान भी कर सकता हो। ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसमें ये दोनों गुण हो। मान लीजिए किसी में एक गुण है, क्षत्रिय है, शास्त्र वेदों का ज्ञाता। आप उनके पास गए, अपनी शंका रखी, उन्होंने शास्त्र वेदों से समाधान भी कर दी। लेकिन जब आप साधना करने बैठेंगे, प्रैक्टिकल करने बैठेंगे, तो आपका योगक्षेम वहन नहीं कर सकता और आपको भगवान का प्रेम दान भी नहीं कर सकता। ये कमी रह जाएगी। अच्छा मान लो ब्रह्मनिष्ठ हो, उससे तो काम चल जाएगा। नहीं नहीं, हम लोगों का नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इतने श्रद्धा वाले जीव है ही नहीं। कोई हमारे संसार में एक आध हो बहुत मुश्किल है। हम सब अगर कोई महात्मा कह दे कि राधे राधे जपो, आंसू बहाओ, ठाकुर जी भाग कर आ जाएंगे, लेकिन हमारे मन में तो प्रश्न है, तर्क वितर्क कुतर्क। जब तक इन प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तब तक हम राधे राधे नहीं जप सकते। इतने सारे प्रश्न हैं, समस्त प्रश्नों का समाधान तो कोई नहीं कर सकता आपके, लेकिन हाँ काम चलाओ कि भगवान कौन है, जीव क्या है, माया क्या है, ये संसार क्या है, ये बुद्धि क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है, ये कुछ प्रश्न है। जब इनका हल होने लगेगा तब आपका मन भगवान में लगेगा। समस्त प्रश्न भगवत प्राप्ति के एक सेकंड पहले भी कुछ ना कुछ रहेंगे उसमें। देखिए जब जीव को भगवत प्राप्ति होती है तभी माया निवृत्ति होती है, और जब तक माया है तब तक कुछ ना कुछ तो शंका रहेगी। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी आपकी हरि गुरु के प्रति, वैसे वैसे आपकी शंकाएं भी समाप्त होने लगेंगी। लेकिन ये श्रद्धा कैसे बढ़े, इसके लिए आपको साधना करनी है। साधना कैसे करें, इसके लिए आपको तत्व ज्ञान चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत वोलिया चित्ते नौकर औलस। अरे मनुष्यों, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने में आलस्य मत करो, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे आप साधना करने बैठेंगे तो किसका ध्यान करेंगे, श्री कृष्ण का। कौन है श्री कृष्ण, कैसे ध्यान करोगे, इसके विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको, तब मन आपका उस श्री कृष्ण में लगेगा। लॉजिक से नहीं, ये लॉजिक का ज्ञान नहीं, शास्त्र वेदों के प्रमाण सहित ज्ञान हो, तब बात आपके हृदय में बैठेगी और पक्की होगी। और यही तत्व ज्ञान आपको क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ही होगा, और उसे महापुरुष के द्वारा
आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी और वही महापुरुष फिर आपको प्रेम दान करेगा। भागवत में लिखा तस्मात् गुरुं प्रपद्येत शाप्ते परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाशयम्। अरे मनुष्यों, शाप दे, शास्त्र वेद जो हमको समझा सके, इसका सार निकाल के हमारी बुद्धि में बिठा सके, वो परे जो भगवान का प्रेम दान कर सके। दोनों बातें भागवत में भी कही गई। देखिए जगतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे संसार में 2500 वर्ष पहले बहुत दंभ पाखंड शुरू हो गया था। शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं और भगवान के प्रति कभी दो आंसू भी नहीं निकले, बस पीला कपड़ा पहना और बाबा बन गए। बिचारी भोली भाली जनता उनके पास आकर ठगने लगी। शास्त्र वेद का थोड़ा बड़ा ज्ञान तो आप लोगों को भी हो जाता है, किसी संत का प्रवचन सुन लिया, कल्याण पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, इस ज्ञान से काम नहीं चलता। शास्त्र वेद में तो बहुत ऐसी बातें लिखी हैं जो विरोधी तत्व की हैं, उनको भी कोई समझा सके। अरे हमारे यहां सबसे सरल ग्रंथ है तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण में तुलसीदास जी ने एक तरफ कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन महाराज दूसरी तरफ तुलसीदास जी एक बात और लिख रहे हैं काबहुक कारी करुणा नर देही। बड़ी कृपा की भगवान ने तब ये मनुष्य शरीर मिला। अब पढ़ने वाला कहता है भाग्य से मनुष्य शरीर मिला कि कृपा से मिला। जब तक इसका समाधान नहीं होगा आपकी साधना नहीं बढ़ सकती। अब आप रुक गए, बड़े बड़े राम कथा के वाचक ये सब बोलते हैं। एक बार राम कथा के मर्मज्ञ हमारे गुरुदेव से मिले, उन्होंने भी यही प्रश्न उठाया कि जगत गुरु जी हमको समझ नहीं आता, तुलसीदास जी ने दो विरोधी बातें लिख दी हैं। अगर भाग्य से मनुष्य शरीर मिल रहा है तो भाग्य तो हमारे कर्म है, हमने अच्छे कर्म किए फिर हमको ये मनुष्य शरीर मिल गया पूर्व जन्म के, तो भगवान का क्या मतलब। और यदि आप कहते हैं भगवान की दया से कृपा से ये शरीर मिला तो भाग्य क्यों लिखा। हमारे श्री महाराज जी ने कहा अरे भाई ये तो बहुत सरल है। उन्होंने तुरंत समाधान किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री महाराज जी बोले देखो प्रत्येक जीव के कर्म जड़ हैं, आप लोगों के सबके कर्म जो आप कर रहे हैं ये जड़ हैं, कर्म चेतन नहीं होते। मान लीजिए आपने अभी गरीबों को खाना खिलाया, दान किया, अरे भजन कीर्तन किया, जिसका जो सामर्थ्य है वो करता है, लेकिन ये तो कर्म जड़ है और आप अल्पज्ञ हैं। पिछले जन्म आपने क्या क्या कर्म किए थे वो आपको याद नहीं,
तुम्हारे मान लो किसी को याद भी हो, स्मरण भी हो, ऐसा भी कोई हो जाए, तो वह व्यक्ति भी अपने अच्छे अच्छे कर्म को भोगने का भगवान आपको दे दे अवसर, तो फिर अच्छे कर्म तो भोगेगा और जब बुरे कर्म आएंगे उसको कैंसिल कर देगा। कोई मनुष्य दुखी तो रहना चाहता नहीं। अगर उसको पता चल जाएगा कि ये तो मुझे ही भोगने हैं, मैंने किए हैं और मैं ही करता हूं और कोई है ही नहीं, तो फिर तो अच्छा भोग लेगा, बुरा निकाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कर्म किए, इससे अच्छा भाग्य बन गया, लेकिन बना कैसे? आपके कर्म तो जड़ थे। अब भगवान की कृपा आई, भगवान आप सबके अंदर बैठ के आपके इन कर्मों को नोट करता है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बैठा है और आपके हर क्षण के कर्म को नोट करता है और नोट करने के पश्चात उसका फल देता है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से उसका कर्म शुरू। अरे, किस मां के पेट में जाना है, ये आपके पिछले जन्म के पुरुषार्थ का फल। कौन आपका पिता बनेगा, कैसा वातावरण मिलेगा आपको, ये सब आपके किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन ये भगवान देते हैं, इसमें हमारा कोई भी मतलब ही नहीं, हमने तो कर दिया बस। तो यानी हमारे कर्मों का फल भगवान कृपा करके हमको दे देते हैं। ये काम जो भगवान करते हैं ना अंदर बैठ के, आप उसके बदले भगवान को कोई सैलरी नहीं देते कि हे भगवान आप मेरे कर्मों को नोट करो फिर फल दो। अरे, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमारा कार्य है, हमने तुम पर कृपा की है, हम ये करेंगे, तो हमारे कर्मों का फल भगवान ने कृपा करके दिया, नहीं तो हमारे कर्म सारे निरर्थक हो जाते। और यदि भगवान बिना कर्म के फल दे दें, मान लीजिए कृपा से आपने कर्म नहीं किया, तो फिर भगवान के दरबार में तो हड़ताल हो जाएगी। बड़े बड़े संत महात्मा कहेंगे, देखो जी, आपका कानून है कर्म करने पे आप कृपा करते हैं और ये आपने कैसे कर दिया। यानी ये सिद्ध महापुरुष ही, तत्व ज्ञानी ही ज्ञान करा सकता है। मेरे कहने का बस इतना अभिप्राय है कि ऐसे महापुरुष की जैसे जैसे शरणागति बढ़ती जाएगी, महापुरुष अपनी कृपा करता जाएगा, उसी कृपा से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, आज हमको शास्त्र वेदों का ज्ञान चाहिए, इतना समस्त शास्त्र वेद हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। और पढ़ भी कोई ले मेहनत करने लगे तो समझ ही नहीं सकते, और फिर उसकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते। हम ऋणी हैं संतों के, महात्माओं के, कि वो बड़े सरल ढंग से हमको ये सब ज्ञान दे देते हैं। शास्त्र वेदों का ज्ञान, आपको पता है जब सृष्टि हुई थी तो केवल एक पर्सनैलिटी थी, ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के हाथ में वेद था। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया इसमें लिखा क्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रविष्ट हुए, उसके पश्चात ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। सोचिए, इन शास्त्रों का हम लोग क्या ज्ञान करेंगे,
जब ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से ज्ञान हो रहा है तो हमारी क्या औकात? फिर मनुष्य ये तो माया के अंदर में रहने वाला, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं तीन गुणों के अनुसार वह हमेशा विषय ग्रहण करता है। भागवत में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, उद्धव जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो मेरे शास्त्र वेदों को पढ़कर वैसे ही अर्थ करता है। मायाबद्ध पढ़ेगा तो मायाबद्ध अर्थ कर देगा, सत्गुणी है तो स्वर्ग का रास्ता ढूंढता है, रजोगुणी है तो संसार का ऐश्वर्य चाहता है, और तमोगुणी है तो राक्षसी प्रवृत्ति से राज्य करना चाहता है। लेकिन महापुरुष लोग जब इस शास्त्र वेदों को पढ़ते हैं तो मेरा मार्ग निकाल के बताते हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों के ऋणी हैं जो हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं, और वे आनंद सागर सुख को प्रदान करने का रास्ता बताते हैं। तो ये क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष किसी सौभाग्यशाली जीव को मिल जाए, उसको शास्त्र वेदों का ज्ञान करा दे, और वे इस शास्त्र वेदों के ज्ञान को बुद्धि में बिठा ले। तुलसीदास जी ने इसके आगे बहुत सुंदर लिखा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद्य डॉक्टर, इन तीनों के वाक्यों पर विश्वास करो। हम लोगों को मान लीजिए कोई गुरु सही भी मिल गया हो, लेकिन हम 100% उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, संशय रखते हैं, निष्ठा पूरी नहीं रखते हैं। इसीलिए हम सब इस दुख में झूल रहे हैं, भोग रहे हैं इसको।